हेलो गाइस, दिस साइड श्रीवास्तव। और आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि IBM कंपनी के इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ, जिसमें कि आप लोग IBM कंपनी के इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें कि पहले हम लोग देख लेते हैं IBM कंपनी क्या क्या है, जिसमें कि आप लोग को टू बिल्ड, टू डिज़ाइन, टू कोड, टू कंसल्ट आप लोगों को करना रहता है। किसी भी क्लाइंट से एंड सेल करना होता है कोई भी चीज़ें, जैसे एंड टू मेक मार्केट, टू इन्वेंट, टू कोलैबोरेट। आप लोगों को कई भी टीम्स के साथ एंड कई कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, और आप लोग को अटेम्प्ट करना होगा थिंग्स यू नेवर थॉट पॉसिबल। आप लोग को वैसी वैसी चीज़ें कराई जाएंगी जो पॉसिबल नहीं है, उस पर भी आप लोग की टीम बना के आप लोग को उस पर उस चीज़ों पर वर्क कराया जाएगा। यहाँ पर लिखा है, आर यू रेडी टू लीड इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सॉल्व सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम। जिसमें कि आप लोग को वर्ल्ड के मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स पे वर्क कराया जाएगा, जिसमें कि आप लोग कुछ नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसमें अब की जॉब डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग का स्टेट कर्नाटक रहेगा, सिटी बेंगलोर रहेगा, और कैटेगरी में आप लोग अदर रहेंगे, जिसमें कि रिक्वायर्ड एजुकेशन आप लोग की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इंटर्नशिप के लिए पोजीशन टाइप आप लोग का इंटर्न रहेगा, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम रहेगा। आप लोग की इंटर्नशिप रहेगी कहाँ रहेगी, IBM कंपनी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में। ट्रैवल रिक्वायर्ड नो, इसलिए ये सब है। एंड आप लोग की योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग की ये रहेगी कि द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल हैव अ पैशन फॉर बिल्डिंग हाई क्वालिटी इनोवेटिव एंड फुल परफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर इन कंप्लायंस विथ कोडिंग स्टैंडर्ड एंड टेक्निकल डिज़ाइन। आप लोग की यही काम रहेगा कि आप लोग को हाई क्वालिटी एंड इनोवेटिव चीज़ों पे वर्क करना होगा, आप लोग को सॉफ्टवेयर डेवलप करने होंगे एंड टेक्निकल्स डिज़ाइन करनी होंगी, जिसमें कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे रिक्वायरमेंट्स, स्प्रिंट प्लानिंग एंड डिज़ाइन, डेवलपमेंट आप लोग को करना होगा, एंड सपोर्ट ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। आप लोग को ये सारे टेक्निकल्स काम वहाँ पे दिए जाएंगे, और जिसमें कि आप लोग को वो सारी चीज़ें करना होगा। आप लोग का इसमें रिक्वायर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ में क्या रहेगा कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा हाई लेवल प्रोफेंसी आप लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और गुड एप्टीट्यूड आप लोग की होनी चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग की एप्टीट्यूड अच्छी होनी चाहिए। और आप लोग को बेसिक लैंग्वेजेस आने चाहिए, जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट एंड ये सबको, डाटाबेस एट अ मिनिमम, स्क्रिप्टिंग, सेल स्क्रिप्टिंग, आप लोग को ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड सम डेवलपमेंट चीज़ आप लोग को आनी चाहिए। सर डेटाबेस रहेगा, आप लोग को इंडिपेंडेंटली वर्क करने आना चाहिए, एज अ पार्ट ऑफ अ टीम भी आप लोग को काम करने आना चाहिए। गुड टीम कोलैबोरेटर होने चाहिए, आप गुड टीम लीडर बन सके वैसे भी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। एंड अवेयरनेस ऑफ एजल्ट प्रैक्टिस आप लोग को प्रैक्टिस वगैरह का भी करनी पड़ेगी, एंड क्लियर कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए, एंड गो गेटर आप में होना चाहिए, किसी भी चीज़ को अच्छे से लर्न करने की एबिलिटी आप लोग के अंदर होनी चाहिए। एंड यहाँ पे आप लोग का प्रीफर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ में आप लोग का क्या दिखा रहा है, जिसमें कि लिखा है कि आप लोग का अवेयरनेस ऑफ ऑटोमेशन फ्रेमवर्क होनी चाहिए, कि मतलब आप लोग को अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी ऑटोमेशन टाइप में फ्रेमवर्क आ रहे हैं और या आने वाले दिनों में आएंगे, तो उस पर आप लोग को वर्क करना होगा। आप लोग को डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग में आप लोग की नॉलेज होनी चाहिए, एंड क्लाउड आर्किटेक्चर में आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें थी जिन पर कि आपके पास नॉलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग के रोल से रहेंगे IBM कंपनी में इंटर्नशिप के लिए। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि अभी की पहले अप्लाई हम नाव पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं, फिर मैं बात करता हूँ कि जैसे कि आप लोग इस पर टैप करेंगे अप्लाई नाव पे, तो फिर यहाँ पे आप लोग के लिए रिज्यूमे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एक्सपीरियंस लेवल, कुछ आप लोग की बेसिक डिटेल्स चीज़ें आप लोग के यहाँ पे मांगी जाएगी, जिसको कि आप लोग भर के सबमिट कर सकते हैं, ताकि इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग के लिए रिज्यूमे मांगा है, जिसके लिए आप लोग अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग को रिज्यूमे बना हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग को रिज्यूमे बनाने नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप लोग कैसे रिज्यूमे बनाएं, ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज आप लोग का रिज्यूमे देख लेकर शॉर्ट लिस्टिंग में आप लोग को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए। अदरवाइज़ रिज्यूमे में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में सिलेक्शन के लिए, शॉर्टलिस्टिंग के लिए। और जैसा कि आप लोग जो
जो भी मेरे सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स हैं, आप लोग से एक ये है कि आप लोग अगर को भी जिस भी चीज़ के बारे में इंटर्नशिप और अपॉर्चुनिटी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उस पर मैं इंटर्नशिप या अपॉर्चुनिटी की वीडियोस काफ़ी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि किसी और भी आपके फ्रेंड्स का भला हो सके अगर उसको ये इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना होगा तो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप है जिसमें कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस मेरे ही चैनल पे और भी कई इंटर्नशिप्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटी मैंने डाला, जैसे TCS का है, इन्फोसिस का है, विप्रो का है, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं आप लोगों को चैनल पे जाके। ओके गाइस, थैंक यू।